को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, इन दिनों में मसीह लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा है, सताव हो रहा है। मसीह लोग काफी सताव का सामना कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो बाहर देशों में क्यों ना हो। आज हम देख सकते हैं यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसमें यूक्रेन के रहने वाले या रूस में रहने वाले काफी मसीही भाई बहन इस सताव का सामना कर रहे हैं, काफी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और अलग अलग देशों में मसीही लोग सताव का सामना कर रहे हैं, उनको सताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, यीशु मसीह ही जल्दी आने वाले हैं। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत काल तक नहीं मरेगा, उसे कोई भी मार सकता नहीं है। शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन आत्मा को घात करने वाला कोई नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, इन दिनों में नाइजीरिया में मसीह लोगों के साथ बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ है, जहां पर मसीही लोगों को आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। लगभग 27 मसीही लोग इसमें मारे जा चुके हैं, उनकी हत्या कर दी है और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं और मसीही लोगों के घरों को जला दिया गया है। घटना सुनकर आपको भी बुरा लगेगा, हम सब प्रार्थना करेंगे। और उनके घरों को पूरी तरह से राख कर दिया है, जला दिया है। और ये जो घटना घटी है, समय की घटी है जब प्रभु यीशु मसीह के लोग संडे की आराधना करते हैं। जी, ये जो घटना घटी है वो लगभग 8 और 10 बजे के बीच रात को ये घटना घटी है। सुसमाचार उसका 10:38 में लिखा है, जो 40 में लिखा है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। 5:10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मैं आपको उस घटना के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। रात नाइजीरिया के एक दक्षिण कुंडुना शहर में ईसाई समुदायों पर भारी हमले के कारण 20 से अधिक लोगों की मर गए हैं। एक चश्मदीद गवाह ने बताया है कि समुदाय के सदस्यों ने चर्च की आराधना खत्म ही की थी कि शस्त्र विरोधी अत्याधुनिक हथियार लेकर पहुंचे। गवाह ने इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न्स को बताया, अगमान कागोरों पर फुट गोलियों के साथ भारी गोलियां चल रही हैं। अधन मारा राबा और सोंजे के घरों को जला दिया गया है। 25 लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो हमला है वो लगभग 7 से 10 बजे के बीच में हुआ। जिला प्रमुख जोशुआ कोकाया ने पुष्टि की है कि 20 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई घर जलकर राख हो गए हैं। अब हम छिप रहे हैं और हमारे चर्च और घर जल गए हैं, हम आज रात बाहर ही सो रहे हैं। कंडुआ पूरे नाइजीरिया के मध्य बेल्ट क्षेत्र के कई क्षेत्रों की तरफ विरोधियों द्वारा लगातार हमले का सामना कर रहा है, जिन्हें ज्यादातर फुलानी आतंकवादी, बोको हराम और उसके शाखा इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस के रूप में पहचाना जाता है। मतलब जो ये हमला किया है, मसीह लोगों पर हमला किया है, वो आतंकवादियों ने किया है। फुलानी नाम का आतंकवादी एक समूह है, वो लगातार पिछले महीनों से मसीह लोगों पर अत्याचार कर रहा है। गोरों के लिए प्रार्थना करें, आतंकवादी वहां पर घुस गए हैं और कई घरों को जला दिया है और कई लोग मारे जा चुके हैं और सैनिक भी वहां से भाग गए हैं। गोली लगने से घायल 11 लोगों को अस्पताल भेजा गया है। घायल पीड़ितों में से एक भाई थे, वो बच गए और अपनी कांपती हुई आवाज के साथ उन्होंने बातचीत किया है किस प्रकार बाल बाल बच गए हैं। वो कहते हैं, मेरी पत्नी घर से बाहर निकली और यह कहने के लिए वापस अंदर आई कि वह जाने के लिए और रात को कहीं और रहने के लिए चली जाएगी, क्योंकि हमने शुरू किया था गोलियों की आवाज़ सुनकर। उनको ऐसा लगा कि आज की रात यहाँ पर हम नहीं बिता सकते हैं क्योंकि गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे लगा कि यह हमारा चौकीदार है, लेकिन फिर यह तीव्र होता जा रहा था और ही भयंकर रूप लेता जा रहा था। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि महिलाएं दौड़ रही है। मैंने पूछा कि क्या हो गया और वो चिल्लाने लगी, फुलानी आतंकवादी घुस गए हैं। आती हुई दो महिलाओं ने कहा है कि मुझे उन्हें मारबा की ओर जाने वाले चौराहे तक ले जाना चाहिए। चौराहे पार करने के बाद मैंने गोलियों की आवाज सुनी, मैं दौड़ा। मैंने अपनी तरफ पूरी कोशिश की लेकिन थक कर गटर के नीचे गिर गया।
जेम्स गोलियों की चपेट में आ गया और रक्त बहने लगा, जिसके कारण वो घायल हो गए और बाल बाल बच गए। या के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि नाइजीरिया में जितना भी सताव हो रहा है उतना ही और भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। हर कोई ना कोई न्यूज नाइजीरिया से आती है कि मसीह के कारण हत्या कर दी गई, मसीह के कारण मारा गया, और तो भी वहाँ के मसीह लोग अभी भी दृढ़ हैं, मजबूत हैं, और कई लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।